नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार मैट्रिक प्रोत्साहन का पैसा जो आने वाला था वो आ गया है। जी हाँ, अगर आप बिहार बोर्ड से टॉप किए हैं दसवीं क्लास में तो जो आपका पैसा 10,000 रुपये आने वाला था, ओबीसी के लिए 8,000, वो पैसा आ गया है और उसका लिस्ट भी आ गया है। तो लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो आपको सबसे पहले चले जाना है अपने गूगल पर, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है मेधा बिहार स्कॉलरशिप 2024। जैसे आप इतना सर्च कर लेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आपको सबसे नीचे चले जाना है। जैसे आप सबसे नीचे चले जाएंगे मैट्रिक 2024, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कर लेंगे आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री बालक बालिका माध्यमिक प्रोत्साहन योजना 2024, जो इसका रजिस्ट्रेशन था 31/7/2024, इसका लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का। तो आपको सबसे ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक कर लेंगे स्टूडेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको स्टूडेंट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप स्टूडेंट पर क्लिक कर लेंगे चेक स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस रिपोर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कर लेना। जैसे आप क्लिक कर लेंगे यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, तो हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। फिर आपको सर्च पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका नाम आ जाएगा, आपका एप्लीकेशन मान्य है। जी हाँ, यहाँ पर आप स्टेटस में शो हो रहा होगा। तो इनका पैसा आ गया है जो 10,000 रुपये आने वाला है, तो उनका पैसा आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट 2 नंबर पर आई है। फिर आप सबसे नीचे चेक हेयर फॉर चेक योर लिस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको चेक फॉर योर लिस्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कर लेंगे यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना, कॉलेज का नाम डाल देना है, जेंडर डाल देना, लिस्ट डाल देना, लिस्ट नंबर डाल देना है। फिर आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे व्यू पर क्लिक कर लेंगे, आपका डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा और आपकी लिस्ट भी आ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे ओपन करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय जय भारत, वंदे मातरम।